हेलो एवरीवन, तो हम लोग आज के सेशन में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है सब्जेक्ट आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वेटेज वाला सब्जेक्ट है ये। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पर हम लोगों ने एंटोमोलॉजी को डिस्कस किया था, कि जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ केवल आपको ये क्वेश्चन पे काम करने की ज़रूरत है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने जितने भी टॉपिक हो सकता है सारे टॉपिक से क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, सो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए जो मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सअप ग्रुप पे क्वेश्चन को आप मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर भेज दूंगा। ठीक है, बाकी एक्सटेंशन के अंदर सारा क्वेश्चन को पढ़ाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है। देखिए, यूनिट वन में जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन बोलता है वो है आपका डिफाइन द टर्म एजुकेशन। एजुकेशन से आप क्या समझते हो, इस टर्म को आपको डिफाइन करना है, साथ में आपको डिफ्रेंशिएट करना है फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, उसके बीच में आपको डिफरेंसेस करनी है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है डिफाइन एक्सटेंशन एजुकेशन इन योर वर्ड्स। आपने शब्दों में आपको एक्सटेंशन एजुकेशन को डिफाइन करना है और एक वर्ड, देखिए एक्सटेंशन एजुकेशन और एक होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज को शेयर करना। ठीक है, तो आपको टर्म एक्सटेंशन को भी डिफाइन करना है और बताना है कि एक्सटेंशन कैसे एक एजुकेशन है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका हाउ एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ प्रोसेस। एक्सटेंशन एजुकेशन एक प्रोसेस कैसे है और आपको उनके सारे स्टेप बताना है एक्सटेंशन एजुकेशन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिंसिपल एंड फिलोसफी। आपको डिफ्रेंशिएट बताना है प्रिंसिपल क्या होता है, फिलोसफी क्या होता है। ठीक है, साथ में आपको डिस्कस करना है 2 इम्पॉर्टेंट फिलोसफीज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट जो फिलोसफीज हैं उनको आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी ईजी भी हैं। आप हमारे आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिनमें से अगर मैं बोलूं आपको तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। नो, देखिए अगला आपका आता है डिफाइन द टर्म ऑब्जेक्टिव इन योर वर्ड्स। अब देखिए, किसी जैसा अब मैं बात करूं एक्सटेंशन और एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसको अपने वर्ड में आपको लिखना है, साथ में आपको डिफ्रेंशिएट करना है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंजेस एंड कल्चरल डिफरेंसेस। तो कल्चरल चेंजेस में और कल्चरल डिफरेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, आपको एग्जांपल के साथ इसे डिफरेंशिएट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस। प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है आपको ये बतानी है, साथ में आपको इनके अलग अलग स्टेजेस होते हैं फ्रेंड्स, है ना। आपको मैंने एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर सारा पढ़ाया हुआ है, आप उनके वीडियोज़ को भी देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको वहाँ पे ना मिले, वैसे मैंने पढ़ाया जरूर है, बट फिर भी आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर भी आपको भेज दूंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होती होंगी। आगे बढ़े फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन बोलता है आपको कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटेंशन सिस्टम। एक्सटेंशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं और आपको इंडिया के अंदर जो एग्जिस्टिंग एक्सटेंशन सिस्टम है उनके आपको नेम लिखनी है और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो एक्सटेंशन सिस्टम होता है उसके बारे में आपको छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे देनी है। ठीक है, होप सो हो जाएगा, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बोल रहा है कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा एक्सटेंशन सिस्टम था उनमें जो एफर्ट किए गए है ना, तो जो पर्सन एफर्ट किए थे उनके आपको नेम लिखने हैं और वो कब किसने, मतलब कुल मिला के आपको हिस्ट्री लिखनी है। ठीक है, कि कैसे हमारे एक्सटेंशन सिस्टम जो है वो हमारे
हमारे मतलब कल्चर में कैसे आया, हमारे एजुकेशन का पार्ट कैसे बना, तो उसमें जितने लोगों का एफर्ट रहा, कब उन्होंने एफर्ट करी, तो ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपको लिखना है यहाँ पे क्या, हाँ देखिए इम्पोर्टेंट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। तो बोलता है देखिए क्या कि नेम द प्रोजेक्ट विच बिकम द फॉर्यूनर ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द कंट्री। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या था ये आपको पता होना चाहिए, और इस प्रोजेक्ट का जो मेन फीचर था वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुल मिला के ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बट आपको यहाँ पे वो पूछना ही चाह रहा है कि भाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपने पढ़ी है किसी कंट्री का, तो अगर आपने पढ़ी है तो बताइए वो क्या होता है और उसके मेन फीचर क्या होते हैं। ठीक है, तो उसे आपको यहाँ पे लिखनी है। होप सो गाइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 15 मार्क्स में जो क्वेश्चन है आपका, इनलिस्ट एनी सिक्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन विच यू कंसिडर इम्पोर्टेंट। आप देखिए इसके अलग अलग प्रिंसिपल हैं, तो वो प्रिंसिपल जो आपके अकॉर्डिंग जो आप समझते हो कि वो इम्पोर्टेंट है तो उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है ना, और हाउ विल यू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन कैरी आउट एक्सटेंशन एक्टिविटी, और ये प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है वो आप एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में किस तरह से करते हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के साथ आप लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। तो इसको अभी आपको लिखना है, मतलब आपको जो आपके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उसको आपको एक्सप्लेन करनी है, और ये प्रिंसिपल्स हमारे एक्सटेंशन एक्टिविटी में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, आप किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं उसके बारे में आपको लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू आता है आपका, डिजाइन एन एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर इंक्रीजिंग एरिया एंड यील्ड। आपको एक्सटेंशन प्रोग्राम, देखिए कई बार क्या होता है, आप देखे होंगे जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट लाते हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम लगाते हैं, अलग अलग कंपनी लगाते हैं आपके फार्मर्स के लिए, और ताकि उनका जो यील्ड है उसमें बढ़ोतरी हो, है ना, तभी तो हमारा जो किसान है वो अच्छा मुनाफा कमा पाएगा ना। तो अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन भी यही बोला है कि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम होते हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं, किस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो फार्मर्स के एरिया है चाहे उनके यील्ड हैं उसमें इंक्रीजमेंट हो, और इसके लिए क्या क्या आपको स्टेप लेने होंगे, है ना, प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है आपको, एक्सप्लेन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एक्सटेंशन एजुकेशन का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपको मेंशन करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 15 मार्क्स आपको देके जाएगा, तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप ट्राई करना कि 3-4 पेजेस के अंदर आप कंप्लीट कर पाओ, टू द पॉइंट, रामायण नहीं लिखनी आपको। ठीक है, यूनिट टू में आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बोलता है, नेम 5 एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन देयर फुल फॉर्म। आपको 5 ऐसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम लिखना है, ठीक है, जो कि मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और उसके फुल फॉर्म भी लिखनी है, और साथ में वो कब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर टू आपका आता है, इनलिस्ट 5 एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट। आपको 5 जो है एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट जो कि ICAR के थ्रू चलवाया गया, और उसके फुल फॉर्म के साथ साथ वो कब, उसका एब्रिविएशन भी आपको मेंशन करनी है, और वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब वो इनिशिएशन में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन NDP एंड ORP। ठीक है, NDP क्या होता है, ORP क्या होता है, इसके बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और इनके पर्पस और ऑब्जेक्टिव को भी आपको मेंशन करनी है। मतलब ये प्रोजेक्ट जो आपका है NDP और ORP, इसका क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव था, वो भी आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपको कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन IADP, हाँ, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, और IAAP, तो इसके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और इसके अप्रोचेस को आपको मेंशन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपको, मेंशन एंड इलोब्रेट द मैंडेट्स ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र के जो कुछ मैंडेट्स होते हैं आप
जब जाएंगे दावे करने के लिए तो आपको पता चलेगा कि कृषि विज्ञान केंद्र का भी एक मेजर इंपॉर्टेंट होता है किसी विलेज के डेवलपमेंट में कोई टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है। तो उसके जो मैंडेट्स हैं वो आपको, मत मैंडेट्स का मतलब हो गया उसके जो मुख्य कार्य है, मुख्य जो काम है वो क्या है, क्यों कृषि विज्ञान केंद्र को बनाया गया था, ठीक है। इसके पीछे कुछ तो पर्पस होगा ना, कि क्या फार्मर्स को, क्या सरकार चाहती थी जो कि कृषि विज्ञान केंद्र को लाना पड़ा। तो ये आपको उसके मैंडेट्स को लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपको, इनलिस्ट डिस्कस्ड एनी 5 न्यू कंसेप्ट एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ आत्मा। आत्मा आप लोगों ने सब सुना होगा, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको, इसके जो 5 न्यू कंसेप्ट्स हैं और उसके और इनका फंक्शन क्या है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। नो अगला आता है आपका जो कि 10 मार्क्स देके जाएगा आपको, एनालाइज द फीचर्स ऑफ मार्केट लेड एक्सटेंशन। मार्केट लेड एक्सटेंशन के जो फीचर हैं वो क्या हैं, हाउ इट डिफर फ्रॉम प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन। देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है मार्केट लेड एक्सटेंशन, एक होता है आपका प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन। तो आपको यहाँ पे बोला है कि भाई मार्केट लेड एक्सटेंशन के क्या फीचर हैं और ये किस तरह से अलग है प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन से, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़े, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में प्राइवेटाइजेशन के से क्या मतलब है, और डिस्कस ब्रीफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एक्सटेंशन। देखिए पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन से आप क्या समझते हो। दूसरा बोला है इसमें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ICT क्या होता है, और इनके कुछ आपको एग्जाम्पल और एप्लीकेशंस मेंशन करनी है, साथ में ये रोल, ये इसका क्या रोल होता है टेक्नोलॉजी को डिसमिनेशन करने में, टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूट करने में, फैलाने में। तो ICT क्या होता है, इनके आपको एग्जाम्पल भी मेंशन करने हैं, इनके एप्लीकेशन भी मेंशन करनी है, और ये इसका क्या रोल होता है टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिसमिनेशन करने में, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़े, नो क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है 15 मार्क्स में वो है आपका, व्हाट आर द न्यू ट्रेंड इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का न्यू ट्रेंड क्या है, डिस्कस फार्मर लेड एक्सटेंशन। आपको फार्मर लेड एक्सटेंशन को डिस्कस करनी है, लेकिन किसके रेफरेंस में, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल होल्डर फार्मर्स, जो छोटे आपके स्मॉल होल्डर फार्मर्स होते हैं उसके रेफरेंस में आपको बतानी है फार्मर लेड एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कैविके एंड आत्मा। कैविके और आत्मा ये दोनों में क्या रिलेशनशिप है ये आपको बतानी है, और आत्मा कैरी, और फिर क्वेश्चन बोला है इसी के अंदर, हाउ आत्मा कैरी आउट इट्स एक्टिविटी फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। आत्मा किस तरह से एक्टिविटीज परफॉर्म करती है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए, तो ये आपको बतानी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी नॉलेजेबल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि केवीके और आत्मा में डिफरेंस क्या होता है, और केवीके किस टाइप से काम करती हैं और आत्मा किस टाइप से काम करता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए बोला है क्या क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका, हाँ बोला है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए गिव एन अकाउंट ऑफ इमरजेंस ऑफ NAIP राइट फ्रॉम NARP जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड थ्रू IBLP। नहीं ये फ्रेंड्स, ये उतना ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंदी सा क्वेश्चन है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 3 के अंदर, तो देखिए इसमें क्या है आपका, डिफाइंड रूरल डेवलपमेंट इन योर वर्ड्स। आपको रूरल डेवलपमेंट को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी है, साथ में आपको ये रूरल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है, क्या कंसेप्ट होता है, वो भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। अब देखिए आपको ना एक कम्युनिटी डेवलपमेंट में और एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप्स हैं ये बतानी है आपको, और व्हाट वाज द फिलॉसफी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्या फिलॉसफी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, और इसको आपको ब्रीफली इनके कंसेप्ट को मेंशन करनी है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, डिफरेंशिएट बिटवीन इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग।
इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग में क्या डिफरेंस होता है और इनके कंसेप्ट आप किस तरह से, मतलब देखिए बोला है क्या कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन इवेल्युएशन। देखिए पहले क्वेश्चन में ये बोला कि भाई बताओ मेरे को इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग में क्या डिफरेंसेस होता है और एक्सटेंशन इवेल्युएशन का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, एक्सपांड द एब्रीविएशन POSD, नहीं वो आपके उतना काम करेंगे, छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप स्किप कर सकते हो। नो आगे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ इवेल्युएशन। आप डिग्री ऑफ इवेल्युएशन से क्या समझते हो, डिपिक्ट वेरियस डिग्री ऑफ इवेल्युएशन। आपको अलग अलग जो डिग्री ऑफ इवेल्युएशन है उसको मेंशन करना है थ्रू ड्रॉइंग नेट डायग्राम, डायग्राम के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट वाज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP। IRDP का जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है और इसको आपको ब्रीफली में एक्सप्लेन करना है, मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IRDP। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, होप सो हो जाएगा। डिफाइन TOT इन योर वर्ड्स। TOT आपको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है, साथ में इसके जो मॉडल हैं जो कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है तो उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं फ्रेंड्स, तो क्या बोलता है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंस इंडिपेंडेंस टिल डेट। मतलब कि आज़ादी से लेके अभी इस डेट में क्या क्या रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके चलाए गए हैं, इसके बारे में आपको ब्रीफ यहाँ पे करनी है। ब्रीफ मतलब वही हो गया, 3 से 4 पेज तो आराम से हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है, डिस्कस ब्रीफली द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, उतने खास नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डेवलप एंड इवेल्युएशन प्लान मॉनिटरिंग। आपको इवेल्युएशन प्लान मॉनिटरिंग को किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं, आपको अलग अलग स्टेप बतानी है किसके रेफरेंस में, आपके एक्सटेंशन प्रोग्राम के रेफरेंस में। ठीक है, हम लोग अब यूनिट 4 पे मूव करते हैं। यूनिट 4 में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। क्वेश्चन को देख के डरिए मत, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं घुमाने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जब भी आपका एक्सटेंशन टीचिंग मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है तो ये पूछता है आपका डिफाइन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड एंड आल्सो डिस्क्राइब वेरियस स्टेप ऑफ टीचिंग मेथड। ठीक है, हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन एंड रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। आपको पता है ना, डिमॉन्स्ट्रेशन जो होता है वो आपका 2 टाइप का होता है, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो आपके इसके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें मोस्टली होता है क्या है ना कि मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में हम फार्मर्स को स्किल सिखाते हैं। ठीक है, और रिजल्ट में हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट थे उसको कंपेयर करते हुए हम फार्मर्स को बतलाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हम रिजल्ट को देखवा के हम उसके उसको डेमोन्स्ट्रेट करवा रहे हैं उसको रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं, और जहाँ पे उसका आप स्किल सिखा रहे हो तो वो आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब कम्युनिकेशन से क्या समझते हो, पता ही आपको इसके अलग अलग एलिमेंट्स थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, AV एड क्या है और आपको इसके रोल को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आपका। ICT में ऊपर जस्ट क्वेश्चन आया हुआ था ना, ICT वाला, बस वही चीज़ यहाँ पे भी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि क्या डिफ्रेंशिएट हो, क्या डिफरेंस होता है एडॉप्शन और डिफ्यूजन के अंदर। ठीक है, और हाउ डिफ्यूजन एंड कम्युनिकेशन आर सिमिलर एज वेल एज डिफरेंट। किस तरह से जो आपका डिफ्यूजन है और कम्युनिकेशन है वो सिमिलर है या फिर डिफरेंट है। ठीक है, 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन है उसको देखिए पहले आप, फिर यहाँ पे बोलता है आपका कि देखिए आ गया ना क्वेश्चन कि प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड विथ सुटेबल एग्जांपल। हमारे प्रेजेंट में जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है उनके क्लासिफिकेशन आपको बतानी है और सुटेबल एग्जांपल के साथ। ठीक है, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म को आपको डिफाइन करना है, इसका क्या रोल होता है आपके फॉर्म इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करने में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, इसी में आपका आ गया इनोवेशन डिसीजन, और इसको ब्रीफली इसके अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं, इनोवेशन हो गया, चाहे आपका डिसीजन हो गया। ठीक है,
आपका इवेल्युएशन हो गया, तो ये सबको आपको यहाँ पे लिखनी है। चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट वन आपके जो तीन क्वेश्चन है आपका जो 15 मार्क्स का है, डिस्पिक्ट टू इम्पोर्टेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो दो इम्पोर्टेंट मॉडल है उसको आपको बतलानी है, और कम्युनिकेशन के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इनके बैरियर्स होते हैं वो आपको बतानी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स, और आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, डिफाइन एडॉप्शन इन योर वर्ड्स, एडॉप्शन को आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, और आपको क्लासिफाई करना है एडॉप्टर को, एडॉप्टर कैटेगरीज को अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइपिकल सोशल सिस्टम, ठीक है। ऑल्सो आपको डिस्कस ब्रीफली करना है स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन, एडॉप्शन के अलग अलग आपके स्टेजेस हैं उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर आपका अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इनोवेशन, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनोवेशन, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन था फ्रेंड्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप देखेंगे तो आप इतने क्वेश्चन अगर कर लिए ना तो आपका एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, तो ट्राई कीजिएगा ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।